भाई स्मैश देख रहे हो कि नहीं यार? दिल को दहला दिया है एकदम से यार, डरा दिया है, पता नहीं क्या होगा। सच में यार, मतलब 10 ओवर तक तो बहुत मजा आ रहा था कि भाई साहब चलो बहुत खतरनाक ये हो रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के बाद तो थोड़ा सा डर लगने लगा। लेकिन जब विराट कोहली और ये केएल राहुल का जब फिर से ये हुआ तो मजा आ रहा था कि भाई साहब ये अगर जुड़ गए तो फिर रन बन जाएगा। लेकिन फिर विराट कोहली का झटका, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल झटका दे दिए हैं। मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है, दिल दहला दिए हैं, लेकिन गेम में कुछ भी हो सकता है। अपना स्पेशल कमेंट, अपना स्पेशल राय इसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा पहले से। ओके, और हम चलिए बात करते हैं अभी सलार मूवी के बारे में। सलार की ट्रेलर से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिला है, काफी दिलचस्प अपडेट है। और उसके साथ साथ मुझे काफी सारा कमेंट आया है कि भाई आप एक प्रॉपर वीडियो बनाओ एडवांस बुकिंग को लेकर, कब से एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है। ओके, तो डे वाइज क्या क्या हुआ है, कैसा कैसा हुआ है, कितने लोकेशन में हुआ है, डे वाइज एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। ओके, तो पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग का कब से शुरू हुआ है और अभी तक कितना हुआ है, कितना सोर्स बढ़े हैं, कितने लोकेशन हुआ है, सारा का सारा चीज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे यूके इंक्लूड नहीं करेंगे, यूके को लेकर के मुझे ज्यादातर ज्यादा अपडेट नहीं मिली है, बस यूएसए का मिला है। तो यूएसए के बारे में ही बात करेंगे कि कब से शुरू हुआ है और अभी तक कितना हुआ है, डे वाइज कितना हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको पहले बता देना चाहूंगा, ट्रेलर से रिलेटेड जो अपडेट आया है, तो मैं सुबह सुबह ही ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट आपको दिया था, जो कि लितिका मैम की स्टोरी को लेकर के मैं आपको बताया था कि रवि बसरू जी के स्टूडियो पे सलार की ट्रेलर जो है वो मेकिंग चल रही है, सलार की ट्रेलर का डिजाइन चल रहा है। ओके, तो वो अपडेट को आगे बढ़ाते हुए अभी एक और अपडेट देखने को मिला है सलार की ट्रेलर की लेंथ को लेकर के, कि सलार की ट्रेलर की लंबाई कितनी होगी, कितना बड़ा ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा, और वो लेंथ है 2 मिनट 37 सेकेंड। ओके, 2 मिनट 37 सेकेंड, तो 2 मिनट 37 सेकेंड की, 2 मिनट 37 सेकेंड की एक तबाही आ रही है 1 दिसंबर को। ओके, नो डाउट प्रशांत नील इसमें एकदम से जांच फूंक देंगे, एकदम से तूफानी लाएंगे। ये तो मैं आपको सुबह ही बता रहा था कि भाई साहब जब KGF चैप्टर 2, जब KGF चैप्टर 1, हम इन इनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीजर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेलर ला करके हमारे सामने रख दिए थे। अभी तो लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की उम्मीदों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सर के ऊपर। मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि भाई साहब इतना सारा उम्मीद लगा करके बैठे हैं, इतने दिनों से फिल्म की इंतजार कर रहे हैं, उसकी एक आउटपुट की इंतजार कर रहे हैं, तो इतना सारा टेंशन लेकर के अपने सर पे एक ट्रेलर की डिजाइन करना बहुत बड़ी काम है, और ये काम में खरा जरूर उतरेंगे प्रशांत नील। और ये जो 2 मिनट 37 सेकंड का ट्रेलर आने वाला है ये एकदम से तूफानी होगा, नो डाउट। ओके, अभी हम बात करते हैं यूएसए की एडवांस बुकिंग के बारे में डे वाइज। ओके, तो गाइस यूएसए की एडवांस बुकिंग, मतलब ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग अभी चल रही है सलार की, वो शुरू हुआ है 17 नवंबर से। ओके, 17 नवंबर से, मतलब 3 दिन हुआ है, 17 दिन में हम नहीं कह सकते, 17 नवंबर के इवनिंग के टाइम पे हुआ है, मतलब एकदम से इवनिंग के टाइम पे, जो कि 2-3 घंटे तक की बस हुआ था उस दिन, 2-3 घंटे तक ही हुआ था, जो कि 49 लोकेशन पे शुरू हुआ, 166 शोज पे शुरू हुआ, 950 से ज्यादा तक की टिकट जो है वो सोल्ड आउट हुए बस वो कुछ ही घंटों के अंदर, जो 17 नवंबर के जब शुरू हुआ, और $25K से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग हुआ था। जब हम चले आते हैं 18 नवंबर के, मतलब कल की, 17 को शुरू हुआ तो 18 को कितना बड़ा बढ़ोतरी आप देख सकते हो, तो वहां पे जो 49 लोकेशन था वो हो गया 107 लोकेशन हो गया, वो जो था 166 सोस वो हो गया 352 सोस। ओके, और वो जो टिकट सोल्ड आउट हुए थे 950 से ज्यादा, 950 से ज्यादा, वो हो गया तकरीबन 3000 तक का टिकट सोल्ड आउट। ओके, 3000 तक का टिकट सोल्ड आउट, और वो जो था $25K से ज्यादा तक की, मतलब एडवांस बुकिंग, वो हो गया $76,000 से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग। अभी आप मुझे क्वेश्चन जरूर करोगे कि आप तो बोल रहे थे कि 24 आवर्स के अंदर $76,000 हो गया था बोल करके, भाई साहब वो यूके और यूएसए दोनों का मिला करके 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर $76,000 से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग हुआ था। लेकिन यहां पे बस ये है, मतलब क्या हमारा मतलब यूएसए का है, बस यूएसए का है। ओके, यूएसए का है, जो कि यूके का, देखो मैं आपको यहां पे क्लियरली बता देता हूं, 18 नवंबर की यूके की हमें एडवांस बुकिंग पता चल गया, जो कि यूके की 18 नवंबर का एडवांस बुकिंग था $32,000 था। ओके, $32,000 था, और उसके बाद यूएसए का कितना हुआ, यूएसए का हुआ देखो $76,000 जो है 18 नवंबर को हुआ था, तो $76,000 से आप $25,000 जो कि 17 नवंबर को हुआ था यूएसए में, उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो वही
76 के ऊपर हो गया कि नहीं, तो वही $76,000 जो है 24 आवर्स के अंदर यूएसए और यूके का दोनों का मिला करके हुआ। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूएसए की बात करेंगे तो 17 नवंबर को, ओके मतलब परसों $25,000 हुआ था, 18 को वो हो गया $76,000 से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग। अभी अगर हम बात करें आज की, तो आज का मैं अपडेट आपको दे दिया हूं सुबह से, जो कि 140 लोकेशन है, 435 शोज है, और वो हो गया जो तीन हजार तक की जो टिकट सोल्ड आउट हुए थे वो अभी हो गया है 4,000 से ज्यादा तक की टिकट सोल्ड आउट। ओके, पहले था 2,900 समथिंग था, और अभी हो गया है 4,000 से ज्यादा तक की टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ यूएसए का 1,09,000 तक का एडवांस, 1,09,000 से ज्यादा तक की डॉलर की एडवांस बुकिंग हो चुका है। 109K डॉलर से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुका है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में। तो गाइस आप सोच सकते हो कि बिफोर 33 डेज इस तरह की तबाही अगर सलार कर रही है तो बाद में कितना होगा, और स्पेशली कल से कितना होगा, क्योंकि कल तो प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है सारे के सारे वर्सन में और हर जगह पे। ये तो बस यूएसए की बात कर रहे हैं, ये तो बस यूके की बात कर रहे हैं, कुछ ही लोकेशन की बात कर रहे हैं, जब सारे के सारे लोकेशन में सिर्फ यूएसए में 2000 से ज्यादा तक की लोकेशन है, तो बाकी सारा लोकेशन अगर हम मिला देंगे तो कितना ताबड़तोड़ नंबर हमें देखने को मिलेगा, कितना जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो कल से शुरू होगा असली तबाही, और ये था बस टीजर टाइप का तबाही, जो कि ये भी कुछ कम नहीं था, जो बहुत खतरनाक हो रहा है। क्रेज तो बाप लेवल का है मेरे भाई, क्रेज तो बाप लेवल का है। आप कितना एक्साइटेड हो 1 दिसंबर के लिए खास तौर पे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट।